फिर उसको बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। एक अच्छा स्टॉक था, 20% के आसपास की रैली स्टॉक में आई थी और उसके बाद अब देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट है। स्टॉक इसी तरह की ट्रेजेक्टरी में रहता है। बड़ी खबर सामने आई थी उसके बाद एक तेजी थी, अब दो दिनों से 5% की गिरावट हुई है। बात करेंगे गिरावट के पीछे का कारण क्या है, क्या आपका जो सारा प्रॉफिट था वो इरोड होने वाला है या रुके रहे स्टॉक में या निकल जाए, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई की, तो आज 5% की गिरावट हुई है। स्टॉक हमारा 23.95 रुपए के आसपास आकर अटका है। 27 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। आज का जो चार्ट पैटर्न देखेंगे, सिंपल चार्ट, तो मॉर्निंग से ही गिरावट स्टार्ट हो गई थी आपके और फिर उसके बाद न्यूट्रलिटी बरकरार रही। बाजार के हालात भी कुछ खराब ही दिखे आज के दिन में, आप इंटायरली इस स्टॉक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं गिरावट के लिए। तो ओवरऑल बाजार में भी गिरावट थी, बाजार में पैनिक सेल था और आप देखेंगे जो FII DII जो है लगातार वो बाजार को इग्नोर कर रहे हैं, इन द सेंस कि यार FII जो डंपिंग कर रहे हैं और जो DII है वो बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको डेटा दिखाया था, 150 करोड़ के आसपास का माल मात्र खरीदा था DII ने और 1400 करोड़ का माल यहाँ पर बेचा था FII ने। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की वो थोड़ी सी नेगेटिव है और उसका असर जो है वो छोटे बड़े स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्योरली जो स्टॉक पहले से ही गिरावट में है उन पर उसका जो असर है वो ज्यादा है। तेजी आई थी, तेजी के पीछे का कारण देख लेते हैं। खबर है हमारे सामने, उस खबर की बात करते हैं। कल की ही खबर है ये, PSU बैंक स्टॉक्स आर बैक ऑन इन्वेस्टर्स रडार दिस वीक आफ्टर अ मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड द गवर्नमेंट मे सून इनिशिएट द प्रोसेस टू प्राइवेटाइज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। The report further suggested that two lenders might see 51% sale in the first phase of this investment. तो मीडिया रिपोर्ट आई सामने PSU बैंक स्टॉक्स को लेकर के, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के, कि गवर्नमेंट जो है वो सून इनिशिएट कर सकती है जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस है। 51% के आसपास का जो स्टेक है वो बेचा जाएगा पहले फेज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट में। Reacting to the development, shares of both these lenders got locked in the 20% upper circuit on Monday and extended their rally to jump 16% IOB and 17% Central Bank of India on Tuesday and claimed fresh 52-week highs. तो मंडे को 20% भागा, ट्यूसडे को 17% के आसपास भागे, 16 और 17% के आसपास और 52 वीक हाई बनाया इन दोनों ही स्टॉक्स ने। अच्छी रैली है, बहुत अच्छी बात है भैया, भागता है तो स्टॉक। बट देन क्या हुआ, देन रूमर बस्ट हुआ और रूमर के बस्ट होने के बाद स्टॉक लगातार तेजी से गिरावट में आया। रीजन बीइंग यार देखो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ना बहुत सारा है, दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट और यही एक बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय पर डिसइन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं कर सकता है, वो भी इतना ट्रैकी, इतना कॉम्प्लेक्स डिसइन्वेस्टमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का होने वाला है, उसको अभी कंसीडर किया जाएगा तो गवर्नमेंट माइट लूज अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा वेट कर रही है कि यार अभी थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे ऑफ दीज बैंक, ठीक है। IDBI बैंक हो गया या कोई और बैंक हो गया, जो BPCL वगैरह हैं, SPCL हैं, उनका अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट माइट स्टार्ट दैट इन्वेस्टमेंट सून। बट इनके लिए एक लंबा प्रोसेस है, मैंने लंबा प्रोसेस आपको पहले वीडियोज में भी समझा रखा है कि यार इनको पहले डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले RBI की PCA लिस्ट से बाहर लाना पड़ेगा और उसके लिए गवर्नमेंट को इनके फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारना पड़ेगा, इनमें कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद जो इनका NPA है, जो इनका बैड डेट है उसको सेटल करना पड़ेगा थ्रू वन टाइम सेटलमेंट हो गया या स्टेक सेल हो गया या उसको ई ऑप्शन के थ्रू बिड करवाना हो गया, वो करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ही कोई बायर इस स्टॉक के लिए, इन बैंक्स के लिए मिल सकता है। अभी बायर अवेलेबल नहीं है, बायर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। IDBI बैंक जो कि एक अच्छा बैंक है, जो इंश्योरेंस भी करता है, जो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है, उनके सामने एक बड़ा एक पोर्टफोलियो है उनका, उसके बावजूद भी जो बायर है वो मिल नहीं पा रहा उसके लिए। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए इतनी आसानी से बायर मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपने बाइंग कर रखी है या आप किसी रूमर को सुन के बाय करते हो तो वो बहुत बड़ी गलत बात होती है। अगर आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज गुड इन फाइनेंशियल सिचुएशन या इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत बेहतर है, आप इसमें सस्टेन कर सकते हो, रुकना चाहते हो या प्राइवेटाइजेशन के बाद भागेगा तो खरीदारी करो, बट जब गिरावट में हो तब खरीदारी करो क्योंकि तब आप लंबा रुक सकते हो। जब तेजी में होगा खरीदारी करोगे तो इसी तरह का आपको फेज देखना पड़ सकता है, ठीक है। ओवरऑल बात करें यहाँ पर, खबर तो रूमर थी और वो बस्ट भी हुई। लोअर साइड पर 21.85 रुपए का आपको सपोर्ट मिल रहा है। गिरावट के पीछे का कारण यही है हमारे सामने, क्योंकि जब रूमर बस्ट होता है तो इसी तरह की गिरावट होती है। 25.40 रुपए का आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक हमारा, अपर ट्रेजेक्ट्री में, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक मैगडी की बात करें, मैगडी स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन है बाजार की वो काफी ठीक है। RSI हमारा 66 का है, बाइंग चार्ट पैटर्न है हमारे यहाँ पर, बट बाइंग करने के लिए ना आपको वो माइंडसेट नहीं रखना है कि यार ये स्टॉक आगने वाले
आने वाले 1 महीने में 2 महीने में प्राइवेटाइज हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे बेच दूंगा। 1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है और इतने छोटे समय के लिए आपका आना बहुत रिस्क क्रिएट कर सकता है, इसीलिए आए तो लंबे समय के लिए वरना इसमें एंटर मत होना। ओवरऑल डिमांड की बात करें तो देखो 11 जून को 45%, उसके बाद 49% एंड 21 जून को 41% एंड देन 36% वॉल्यूम तगड़ा आया था 22 जून को, तो 36% ओवरऑल ठीक ठाक है। तो 48 मिलियन शेयर्स बाय किए गए थे डिलीवरी के लिए, उससे पहले 37 मिलियन शेयर्स बाय किए गए डिलीवरी के लिए, उससे पहले 3.6 मिलियन जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था वो इसके इन दोनों दिनों के में आधा भी नहीं था जो बाय किया गया था। ओवरऑल बाइंग स्टॉक में है, खरीदारी स्टॉक में है, लंबे समय के लिए स्टॉक उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट थी, रूमर थी, बस्ट हुआ और उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि स्टॉक आपका जल्दी ही प्रॉफिट देगा, जल्दी ही ये रिकवर करेगा। रिकवर करेगा इसमें कोई दो राय नहीं है, खरीदारी करने की सलाह मिली थी पहले भी, अभी भी है, नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल कैपिटल। इस तरह के मौके को छोड़ना नहीं चाहिए हालांकि, बट हाँ अगर लंबे समय के लिए आप आओ तभी इसमें एंट्री करना। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं करने वाली है इसमें, तो थोड़ा सा संभल के रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल बात बाजार की करें तो बाजार आपका अच्छी सिचुएशन में है, निफ्टी 50 15,680 के आसपास अटका हुआ है, 15,550 15,900 के बीच में आपका न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में भी। बाजार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, हाँ बेरिश नहीं होगा, बुलिश भी नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ऐसे में अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अच्छी खबर आती है, बड़ी खबर आती है, गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है कि पीएसपी से लिस्ट से बाहर लाना है या कैपिटल इन्फ्यूज करना है, तो उसका एक अच्छा असर आपके स्टॉक पर पड़ेगा और स्टॉक आपका भागेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार का बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है, वंस द मार्केट गोज इनटू दैट न्यूट्रल मोड, ठीक है, तो न्यूट्रल मोड में जाने के बाद बाजार का कोई खास रोल नहीं होने वाला, तो बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बात करें एफआईआई या डीआईआई की, तो देखो ओवरऑल सिचुएशन जो है बाजार की वो ठीक ठाक है, बट क्योंकि ये लोग अभी स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर बाजार को लोअर एंड पर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इनके साथ प्ले ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप डीआईआई को या एफआईआई को दबा पाओ या इनकी उनको अगेंस्ट जाकर के मार्केट को बुल रन की ओर मुड़ पाओ, आप हर्षद मेहता तो हो नहीं, तो थोड़ा सा इनके साथ प्ले करो, इनके साथ खेलो, इनके साथ इनकी स्ट्रेटेजी में मिला करके आप पैसा बनाओ, वो ही ज्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल डीआईआई ने 300 करोड़ का माल उठाया था, बहुत कम माल उठाया था, एफआईआई ने 1000 करोड़ का माल डंप किया था और यही कारण है कि बाजार आपका लगातार लोअर एंड पर जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी, नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए आना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। अगर आपने इससे ज्यादा पैसा लगा रखा है, प्रॉफिट में हो, तो रिमेनिंग जो कैपिटल है वो निकाल दो, आप 5% इसमें लगा के बैठ जाओ चुपचाप और वेट करो कि गवर्नमेंट कब कैपिटल इश्यूज करती है, उसके बाद पीछे लिस्ट से बाहर आएगा, उसके बाद ऑडिटर लगेगा और ये प्रोसेस जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे आपका स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी सीबीआई को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना होगा।